हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामकृष्ण एंड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल एडसेंस में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आपका भी चैनल मोनेटाइज हो गया है एंड दोस्तों आप यूट्यूब पर नए हैं एंड दोस्तों आपसे गूगल एडसेंस पर लॉगिन करना नहीं आता है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ एंड दोस्तों समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों आपको करना क्या, सबसे पहले आपके जीमेल अकाउंट पर आ जाना है एंड दोस्तों जीमेल अकाउंट पर आने के बाद जो ये आपका लोगो दिख रहा है आपके जीमेल अकाउंट का, तो आपको इस लोगो पर ओके करना है। एंड दोस्तों लोगो पर ओके करने के बाद जिस जीमेल अकाउंट से आपका जो है गूगल एडसेंस बना हुआ है, तो आपको उसी जीमेल को ओपन कर लेना है। ओके, अब दोस्तों करना क्या है, ओपन करने के बाद आपको गूगल अकाउंट पर जाना है। तो दोस्तों मैं गूगल अकाउंट पर जाता हूँ एंड दोस्तों गूगल अकाउंट पर जाने के बाद आपको करना क्या है, पर्सनल इन्फो पर आना है। एंड दोस्तों पर्सनल इन्फो पर आने के बाद आपको यह डाटा एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कभी कभार डाटा एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि प्राइवेसी की जगह पर्सनलाइजेशन भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो डाटा एंड प्राइवेसी या फिर डाटा एंड पर्सनलाइजेशन। फिर दोस्तों आप करना क्या है, सबसे नीचे आना है। तो सबसे नीचे आएंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है डाटा फ्रॉम एप्स एंड सर्विस दैट यू यूज, आप देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली इस वाले ऑप्शन पर जाना है, कंटेंट सेव्ड फ्रॉम गूगल सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलता है। अब सिंपली आपको नीचे की तरफ इसे आना है और जब नीचे की तरफ दोस्तों आप आते हैं तो आपको यहाँ एडसेंस का ऑप्शन दिख जाता है। तो दोस्तों आप करना क्या है, जो सेटिंग है एंड हेल्प सेंटर है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग पर जाना है एंड सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करना है एंड क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, इसे डेस्कटॉप साइट पर खोल लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ थ्री डॉट, तो यहाँ से मैं इसे डेस्कटॉप साइट पर खोल लेता हूँ। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप देख पाएंगे आपको इसे हल्का सा जूम आउट करना है एंड जूम आउट करने के बाद ये थ्री लाइन दिखेंगी, तो थ्री लाइन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एडसेंस फॉर यूट्यूब पर ओके करना है। अब दोस्तों आप देख पाएंगे जो ये आपकी हिस्ट्री है, मतलब कि गूगल एडसेंस के अंदर जो पेज है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो कि यूट्यूब पर काम करता है और जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।